के चंदौली में शहीद जवान को सम्मान न दिया जाने पर भड़के लोग किया चक्का जाम। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, घंटों प्रयास के बाद किया जा सका अंतिम संस्कार। दरअसल पूरा मामला चंदौली जनपद के धानापुर से है, जहां पूरा चेता दुबे गांव निवासी सेना के जवान कुलदीप मौर्य जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव में एम्बुलेंस से लाया गया, जहां पार्थिव शरीर को सम्मानजनक तरीके से ना लाए जाने तथा शव के साथ कोई भी अधिकारी के साथ नहीं आने पर स्थानीय लोग भड़क गए और बीच सड़क पर ही सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू के नेतृत्व में लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना पाकर पहुंचे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर चक्का जाम समाप्त कराया। सर क्या है पूरा प्रकरण और इसमें क्या डिमांड है इनके परिवार के लोगों की? ये सूबेदार दीप मौर्य जी यहाँ पगही के रहने वाले हैं, इनका आकस्मिक निधन हुआ है परसों। आज सुबह 7 बजे के आसपास इनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया है। कुछ कंफ्यूजन के कारण पहले तो ये हुआ कि इनके अंत्येष्टि में राजकीय सम्मान नहीं दिया जा रहा है, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं की जा रही है। जी जी। लेकिन वो कुछ कम्युनिकेशन गैप के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई, उसके कारण कुछ लोग इकट्ठा हुए, परिवार वालों ने विरोध जताया, लेकिन उसको मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा जाके बताया गया और कोऑर्डिनेट करके राजकीय सम्मान के लिए पूरी गारद यहाँ पर आर्मी के लोग आए हुए हैं। जी। अभी कुछ इनकी जो डेथ रिपोर्ट वहां से आई थी उसको लेकर इशू चल रहा था, उसका भी अभी बात होकर वहां से उसका भी समाधान हो रहा है, वहां से मेल वगैरह आ गया है आर्मी से, तो अभी कुछ ही देर में सारी उसका करके ये राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि इनकी कराई जाएगी। और इसके अलावा इनके परिवार के द्वारा कुछ अपने मांगे रखी गई हैं, उसको जिला प्रशासन के द्वारा शासन को भेज दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इनके परिवार की मदद की जाएगी। धन्यवाद। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।